हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ माय एफएम के आरजे कार्तिक जुड़े हुए हैं जयपुर से, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कार्तिक जो है इस लॉकडाउन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कार्तिक, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। आपकी शेविंग बढ़ी हुई है लगता है, दाढ़ी नहीं बना पा रहे हैं लॉकडाउन में। नमस्ते आप। नहीं नहीं, मैंने दूसरा लुक ट्राई किया है, बीच में मैंने मूछें भी रख ली थी जो कि मेरे फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि सर जी वापस से पुराने लुक में आइए। तो ये जो लॉकडाउन 2.0 अनाउंस हुआ है, मुझे लगा कि दूसरा लुक अब मुझे मिल जाएगा। अच्छा कार्तिक, सुबह सुबह घर से आप हमारे साथ लाइव पे हैं और तमाम रेडियो जॉकीज तो आजकल काम भी घर से ही कर रहे हैं, आपका तो वर्क फ्रॉम होम भी घर से ही चल रहा होगा। मुझे ये बताइए कि रेडियो की आवाज जब टीवी पर आती है तो लोग इसको किस तरह से लेते हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? आप नमस्ते भारत में है, देश का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मॉर्निंग शो है ये। बिल्कुल, माय एफएम से मैं आरजे कार्तिक एक बार फिर से आप सभी एंकर्स को सबसे पहले तो सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ही कमाल का शो कर रहे हैं। और जहां तक बात है रेडियो जॉकीज के घर से काम करने की, तो मेरी बिल्डिंग में अब जब आवाज में बोलता हूं सुबह सुबह जब रेडियो के लिए शो करता हूं, तो आसपास के फ्लैट्स वालों को मालूम चल गया कि आरजे कार्तिक फाइनली इधर रह रहा है। वैसे तो उन्हें मालूम था, लेकिन जब आप बोलते हो रेडियो पर तो वो जो माहौल बन जाता है आपके फ्लैट में भी, क्योंकि स्टूडियो वाली फीलिंग तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर ही अब ये माय एफएम का स्टूडियो बन गया है। तो हम माय एफएम पर बोलते हैं चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, और मैं अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूं हर सोमवार को सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और वो मिलियंस में देखी जा रही हैं, तो काफी सारे मेरे फैंस हो चुके हैं। तो जो आप कह रही हैं कि रेडियो की आवाज टीवी पर दिखती है, वो तो पहली बार शायद दिख रही होगी, लेकिन फेसबुक पर यूट्यूब पर काफी लोगों ने मुझे देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये फैमिलियर फेस होगी। कार्तिक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि अब तक आप लोग रेडियो के जरिए गाड़ी में घूमते फिरते लोगों के साथ ही रहे हैं, उनको बहुत सारी तरह की टिप्स देते हैं, जब फोन कॉल्स आते हैं तो बहुत तरीके की मदद आप लोग करते हैं, जब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो एक आरजे फ्रेंड की तरह सामने आता है, लॉकडाउन के वक्त जब सब घरों में बंद हो गए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एक स्टोरी मैंने की थी जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, वो स्टोरी थी सर आइजक न्यूटन की। 1665 में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब ब्यूबोनिक नाम की महामारी फैली थी, और उस वक्त भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ था जैसा कि इस वक्त हुआ है, हम सब अपने अपने घरों में, तो न्यूटन को भी अपने घर अपने होम टाउन जाना पड़ा था। जब अपने घर पहुंचे थे तो जब वो सेल्फ क्वारंटीन में थे, सेल्फ आइसोलेशन में थे, उस वक्त तो अपने बगीचे में घूम रहे थे, वहां पर उन्होंने वो सेब गिरता हुआ देखा और वहां से वो लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने दुनिया को दिया। तो मैंने अपनी कहानी में भी ये बोला, रेडियो पर भी बोला, माय एफएम पर बोला कि आप लोग जो है इतने नकारात्मकता के माहौल में कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में कुछ कमाल कर सकते हैं, वो ये स्टोरी हमें बताती है। और मैं अपनी हर कहानी में हर शो में बोलता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हम सबके पास में मौका है, क्योंकि ये जो दिन आए हैं ये वापस नहीं आने वाले, हमें से कोई भी ऐसा किसी के साथ शायद ना हो कि वो बिल्कुल फ्री हो जाए, तो ये जो फ्री होने का हमें वक्त मिला इसमें हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक एक सवाल मेरा आपसे ये कि आपका एक स्टाइल है, एक अंदाजे बयां है, मैं चाहती हूँ कि हमारे टीवी के दर्शकों को भी उस अंदाजे बयां से आप बताएं कि आपको कैसे मास्क पहनना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, हाइजीनिक रखना है। राइट, तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि आपकी आवाज आ रही है शायद कार्तिक, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप जो कहना चाहते हैं कंटिन्यू रखिए। राइट, तो मैं कहना चाहता था, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि संकट की घड़ी में कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है, तो ये बिखरने का नहीं बल्कि निखरने का वक्त है, और निखरने के लिए हम सबको बस एक ही चीज का पालन करना है, वो है लॉकडाउन को फॉलो करना है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, पहली बात तो जाना ही नहीं है, जितना आपके पास सामान उससे काम चलाइए, अगर आप 10 दिन तक दाल रोटी भी खा लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, तो घर में रहिए। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा करके जाएं, क्योंकि यही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है इस कोरोना वायरस से लड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक हमारे साथ, हमारे तमाम दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका, और बहुत सारी प्यारी और अच्छी टिप्स आपने दी है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिला।